हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आया है इंडक्शन, देख सकते हो आप लोग। और दोस्तों ये कुचिना कंपनी का है, और दोस्तों इसमें कितना वाट का है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं, ठीक है, 2000 वाट का है ये, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 2000 वाट का है दोस्तों। इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये एकदम पूरा खराब हो गया है, ठीक है, ये पूरा खराब हो गया है। तो इसी कारण हम इसको क्या करेंगे, इसमें एक नया वाला वायर लगाएंगे और इसमें दोस्तों एक मदरबोर्ड चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं अंदर क्या क्या हालत हुआ है इसका, ठीक है। देख सकते हैं इसका दोस्तों, हमारा कॉइल एकदम सही है, ठीक है, इसका कॉइल सही है, लेकिन दोस्तों हमारा जितना भी इसमें पार्ट्स वगैरह है सब कुछ दोस्तों खराब हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये दोस्तों एकदम खराब हो चुका है, इसका मदरबोर्ड हमारा बिल्कुल ही नहीं चलेगा, ठीक है, इसका बोर्ड पूरा एकदम खराब है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नया वाला बोर्ड लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हैं ये वाला ए प्लस, और ये दोस्तों ये यूनिवर्सल रहता है, और इसके साथ हमें क्या क्या मिल जाता है आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक कीबोर्ड, देख सकते हैं इसका स्विच जो रहता है, स्विच मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक क्या मिलेगा, एक मदरबोर्ड मिलेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फटाफट से इसको निकाल देते हैं और इसको लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो हमारा ये जो पॉलीथिन लगा हुआ है इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, ये एकदम सील पैक आता है, ठीक है। जब भी आप इसको खरीदोगे तो आपको ध्यान देना है कि इसका जो पॉलीथिन है ये दोस्तों नहीं खोलना है, ठीक है, सबसे पहले नहीं खुला होना चाहिए, नहीं तो आपको पुराना वाला भी मिल जाता है, मिल जाएगा। तो इसी कारण आपको सबसे पहले इसका पॉलीथिन को चेक करना है, जब लगा होता है तो आपको ध्यान देना है, तो ये एकदम सही है और नया वाला है, एकदम ओके है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये रहा इसका मदरबोर्ड, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों हमें ये दो तो चीज़ मिल जाता है, स्विच और ये, और ये फैन को भी हम यहाँ से ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका कॉइल यहाँ पर लगेगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला आउट यहाँ पर लिखा गया है, आउट लिखा गया है, ठीक है, ये वाला आउट है और ये वाला इन है, ठीक है। ये कॉइल है हमारा, यहाँ पर लगा लगा देंगे। तो इसको हम पहले निकाल देते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं। यहाँ पर अभी देख सकते हैं ये वाला इन रहता है, आपको हमेशा ध्यान देना है, ये ऊपर जो रहता है ना, ऊपर वाला हमारा इन रहता है और ये वाला आउट रहता है। तो इसको भी यहाँ पर जैसा लगा हुआ है वैसा ही हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इनको हटा देते हैं और इसका स्क्रू को भी हम अलग कर देते हैं, और यहाँ पर हमें लगाना है इन वाला गो। हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, आपको इन वाला इन पर ही लगाना है, ठीक है। इन वाला आपका ऊपर का जो वेयर है आपको ध्यान देना है, ये वाला हमारा इन रहता है और नीचे वाला आउट रहता है, हमेशा आपको ध्यान देना है। देख सकते हैं इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं,
ठीक है, ये वाला हमारा हो चुका है। ठीक है, दोनों को अच्छे से आपको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद दोस्तों हमें अभी क्या करना है, तो दोस्तों देख सकते हैं यह वाला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम पुराना वाला मदरबोर्ड को निकाल देते हैं। ठीक है, इसको निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गैप बनाना है। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं कैसे आपको गैप बनाना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हमारा IGBT लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला ही हमारा गर्म होता है, तो इसी कारण दोस्तों इस फैन के पास ही हमें इसको बैठाना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा और ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर गैप बनाना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें गैप बनाने के लिए ऐसा तो नहीं हो रहा है एडजस्ट, यहाँ पर हमारा निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये वाला जो हमारा है ना, इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। इसको आपको कट करना है, नहीं तो आप इसको नहीं बैठा सकते हो। देख सकते हैं, और थोड़ा सा हमें कट करना है। ठीक है, कट करना जरूरी पड़ता है क्योंकि ये यूनिवर्सल रहता है और आपको थोड़ा यहाँ पर स्पेस बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं बैठता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर हमारा स्पेस बन चुका है, यहाँ पर हम इसको रखेंगे, यहाँ पर हमारा IGBT है। ठीक है, फैन के पास ही रहना है और थोड़ा सा हमें कट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा कट करेंगे यहाँ पर, जैसे ये बैठ जाएगा रह जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा स्पेस हो चुका है। अभी हम इसको मदरबोर्ड को यहाँ पर बैठेंगे, देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सल के लिए यहाँ पर ऐसा लगा होता है जो इसको लगाने के लिए, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पर हमें स्क्रू को लगाने के लिए हमें एक मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम स्क्रू को लगा देते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है एक तो स्क्रू लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम स्क्रू एक तो लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो चुका है दोस्तों, मदरबोर्ड नहीं हिलेगा, इसी कारण ये हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। मदरबोर्ड हमारा नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो ये वाला हमारा एक तो हो चुका है, देख सकते हैं एक में ही हमारा ये नहीं हिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम एयर और एक तो यहाँ पर लगा देते हैं। मदरबोर्ड नहीं हिलना चाहिए, बस इतना ही हमारा काम है, देख सकते हैं। ठीक है, एकदम सही हो चुका है दोस्तों, हमारा मदरबोर्ड एकदम सही से लग चुका है। और अभी हम ये जो कनेक्टर है दोस्तों, इसका सेंसर का, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक चीज़ हमें लगाना है यहाँ पर नया वाला दोस्तों, हमें एक केबल चाहिए। ठीक है, इसमें केबल भी नहीं था, तो इसी कारण हम इसमें एक नया वाला केबल यहाँ पर लगाएंगे। इसको आपको जैसा भी लगाना है लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं दो टो हमारा दिया गया है, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं।
यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वाला हमारा नेगेटिव है, ये वाला हमारा प्लस, तो आपको जैसा भी लगा सकते हो, लेकिन हम जैसा लगा लिखा हुआ है वैसा ही हम इसको लगा देते हैं। एक लग चुका है प्लस वाला को अभी लगाएंगे। ठीक है, ये वाला भी हमारा लग गया है। प्लस वाला थोड़ा सा हमें डाउट लगा, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो दोनों हमारा लग चुका है। अभी आपको इस वेयर को हम साइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा मेन चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा स्क्रू नहीं है, तो हमें पहले स्क्रू को लगा देते हैं। ये हमारा फैन का स्क्रू नहीं लगा है, तो इसको हम लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला लग चुका है और इसको भी हम ये भी लगाएंगे। तो देख सकते हैं ये वाला भी हमारा लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानबूझकर दोस्तों इसको कट किए हैं, क्योंकि दोस्तों हमें प्लस माइनस इसका थोड़ा सा यहाँ पर टूटा हुआ था, तो सोल्डिंग कर दिए हैं। तो इसको हम यहाँ पर हमारा 18 वोल्ट यहाँ पर और यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है आपका जो ये फैन है कितने का है। ठीक है, तो हमारा जो ये जो फैन है 18 वोल्ट का है, तो यहाँ पर हमें 18 वोल्ट लिखा गया है, यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। ठीक है, ये तो हो चुका है, इसको हम अच्छे से लगा देते हैं यहाँ पर। ये भी हमारा लग चुका है, और अभी हम ये जो हमारा स्विच दिया गया है, बोर्ड, स्विच बोर्ड, इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करना है हमें। यहाँ पर हम इसको अब जहाँ पर भी लगा सकते हो, लेकिन हम इसको यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ऐसे लगाएंगे, तो इसी कारण हमें यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम होल्ड कर देते हैं, यहाँ पर हमें होल्ड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक हमें देखने को मिला है, यहाँ पर गैप है अंदर के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्डिंग आयरन से इसको होल्ड कर देंगे, जैसे कि ये हमारा वायर है अंदर घुस जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों हम इस वेयर को यहाँ पर डालेंगे, और इसके नीचे दोस्तों फिर एक ठो हमारा गैप है, तो वेयर हमारा घुस जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर घुस रहा है कि नहीं, तो नहीं घुस रहा है तो हमें क्या करना है, पुराना वाला जो हमारा स्विच का मदरबोर्ड है, देख सकते हैं ये, इसको हम निकाल देंगे। देख सकते हैं ये निकल चुका है, 3-4 ठो स्क्रू लगा हुआ। अभी दोस्तों यहाँ पर हम इस वेयर को अंदर डाल देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा
थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो ये आपका अच्छे से फिटिंग नहीं होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वेयर जो था, यहाँ पर हमारा वेयर अंदर घुस चुका है, देख सकते हैं वेयर हमारा घूम गया है, तो इसी कारण नहीं हो रहा है अच्छे से फिटिंग। तो वेयर को हम घुमा देते हैं, ठीक है। अभी हमारा वायर सीधा हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ दोस्तों एक टेप आया था, देख सकते हैं यहाँ पर, इसको निकाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसके नीचे हमें इसको लगाना है, तो एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होगा। हमें पहले इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कट हो चुका है। इस वेयर को जो हम कट किए थे इसके अंदर डालेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ये फिटिंग हो चुका है, और यहाँ पर हम इस टेप को यहाँ पर चिपकाएंगे। दोस्तों ये टेप जहाँ पर भी लटकाएंगे आप, तो ये अच्छे से चिपक जाता है और नहीं खुलता है, और बहुत टाइम लगता है उखड़ने में, जल्दी नहीं उखड़ता है। तो देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसका वेयर वगैरह को अच्छे से लगाया देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेप हम लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा शॉर्टिंग भी हो सकता है, तो हमारा मदरबोर्ड खराब भी हो सकता है, तो इसी कारण हम इसमें टेप लगा देंगे और इस वायर को हम यहाँ पर घुमा देंगे। अभी हम इस सेंसर को लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सेंसर दिया गया है, फैन का हो गया, सेंसर का भी हो गया। अभी हम ये जो कॉइल है, कॉइल का स्क्रू को लगा देंगे, तीन ठो स्क्रू लगेगा, तो यहाँ पर हम इसको टाइट कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये तीनों स्क्रू को हम अच्छे से लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ भी कट नहीं किए हैं, और सब जितना भी इस वीडियो में दिखाना चाहते हैं सब आपको दिखाए हैं, कट नहीं किए हैं। तो देख सकते हैं हमारा फैन भी एकदम सही है, अच्छे से घूम रहा है। और दोस्तों इस फैन भी दोस्तों हम रिपेयर करते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, इस फैन को कैसे रिपेयर किया जाता है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये जो डिस्प्ले का और स्विच का कनेक्टर है यहाँ पर लगेगा, देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से लग गया है। वायर को दोस्तों आपको अच्छे से लगाना है, तो देख सकते हैं ये हमारा अच्छे से फिटिंग हो चुका है। अभी हम आपको दिखाएंगे चालू करके। दोस्तों हमारा इंडक्शन पूरा फिटिंग हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम इसको हम लाइन पर लगाएंगे और चालू करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चालू हो चुका है। अभी हम बर्तन को रखेंगे और यहाँ पर हम ऑन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम 2200 वाट पर सेट करेंगे, तो पानी देख सकते हैं धीरे धीरे गर्म होने लगा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पानी उबल रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा फैन भी चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, देख सकते हैं।
हमारा फैन भी अभी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी आपका पुराना इंडक्शन का मदरबोर्ड एकदम बिल्कुल खराब हो गया है, तो रिपेयर नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा वाला नया वाला मदरबोर्ड आपको इंस्टॉल करना है, और किस तरह से करना है तो आपको ए टू जेड बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दोस्तों इसको आप लगा सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों, इसको कैसे लगाना है, फिटिंग करना है मदरबोर्ड को, और इसको कैसे यूज करना है आपको बताना था। तो आज का वीडियो इतना ही था। तो आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।